जी अस्सलाम वालेकुम यस गाइस, ये मैं आई हूँ एक हॉस्पिटल। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं हॉस्पिटल बंद है क्योंकि आज यहाँ पे एहतजाज हो रहा है और यहाँ पे जो है सैलरीज नहीं मिली हुई, वैक्सीनेशन नहीं है, मेडिसिन नहीं है, तो यहाँ पे एहतजाज हो रहा है। चलें देखते हैं। ये देखिए पूरा हॉस्पिटल खाली है इस वक्त और यहाँ पर जो है एहतजाज चल रहा है बाहर। ये देखिए पूरा बंद करा हुआ है। मैं आपको एहतजाज दिखाती हूँ। यस गाइस, ये देखें जी, पूरी मीडिया आई हुई है बाहर और बहुत ज़्यादा इसमें रश हो रहा है और एहतजाज चल रहा है। सब डॉक्टर्स टीम्स सब लोग जो हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, मीडिया वाले आए हुए हैं और ये सब डॉक्टर्स खड़े हुए हैं यहाँ पे, सब लोग खड़े हुए हैं एहतजाज में। ये आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है। देखिए जी, सब ये एहतजाज यहाँ पे चल रहा है। ये हॉस्पिटल है, सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत रश हो रहा है। गाइस, यहाँ पे शूटिंग हो रही है, यहाँ पे एहतजाज चल रहा है और सारी मीडिया पर्सन आए हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सब एहतजाज हो रहा है। हम आए थे बेबी की वैक्सीनेशन करवाने यहाँ पर, लेकिन जो है यहाँ पे तो कुछ और ही सीन था और सब कुछ बंद है इस वक्त यहाँ पर। और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे जो है गाड़ी भी है जियो। ये देखिए जी, ये सब ने कार्ड्स उठाए हैं इधर और सब डॉक्टर्स हैं और यहाँ पे पूरा मीडिया पर्सन है, रश हो रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। जापान गवर्नमेंट की मदद से सब कुछ तैयार हुआ और उसके बाद जो हुआ ये कि फंड्स के रिलीफ का प्रॉब्लम आ गया, फंड रिलीज नहीं किया गया और इस बहुत बड़े इलाके में, यानी ये शादमान टाउन पूरा नॉर्थ कराची और नॉर्थ कराची से लेकर सुरजानी तक और सुरजानी से मजीद आगे कोटो तक, वहाँ से सारे बच्चे आते हैं। अगर आप ये सोचें कि वहाँ से टैक्सी में रक्शे में आने का जो किराया है वो भी कम से कम जो 1000-1500 रुपये लग जाता है, वो वहाँ से चलें और यहाँ पर ना पहुँचने के बाद उनको जब ये पता चले कि यहाँ पर अस्पताल के अंदर जो काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, जो अपनी मेहनत से बच्चों के ऊपर इलाज कर रहे हैं, उनको 6-6, 7-7 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, तो किस दबाव के शिकार हो गए हैं, किस दबाव के तहत वो काम कर रहे हैं, फिर उनकी सलाहियत क्या रह जाएगी, उनकी सलाहियत ख़राब होने शुरू हो जाएगी। तो तमाम स्टाफ जो यहाँ पे काम कर रहा है उनका भी घर है, उनके भी बच्चे मौजूद हैं, तो वो अगर जो है वो दबाव में काम करेंगे तो किस तरह काम करेंगे। उसके बाद होगा ये एहतजाज, इस एहतजाज की ज़रूरत क्यों पड़ी? इलाज को हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी, हुकूमत अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से पीछे हट चुकी है, उसने इलाज को जो है वो बिल्कुल प्राइवेटाइज हो रहा है। अगर आप आज भी जाएँ तो प्राइवेट अस्पताल के अंदर रश, मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, बच्चों का डॉक्टर, मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि अगर मुझे मेरे घर के करीब इलाज मिल जाए हुकूमती इदारों से तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं किसी महंगे अस्पताल के अंदर जाऊँ। मेरा ख्याल है कि यही वो मसाइल है जिन पर हाफिज साहब को अब चाहिए कि जो है वो हुकूमत सिंध से बात करें और उनको समझाएं कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, जापान गवर्नमेंट की मदद से हुआ था, लेकिन उसको जो है हमारा एक अलमिया ही है कि हम हर अच्छी चीज़ बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, उसके अंदर उसकी लवाजमात को, उसकी सप्लाईज़ को, किसी चीज़ को हम ख्याल नहीं करते और फिर उसके बाद कागज़ों के अंदर होता है जनाब कि सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल शादमान के अंदर कितने डॉक्टर्स हैं, फलां हैं, ये है, इतना अमला है कहाँ? अगर वो मरीज तक नहीं पहुँच पा रहा तो सब बेफायदा। ठीक है, थैंक यू। यस गाइस, यहाँ से अब हम लीव कर रहे हैं, बस यहाँ पे हो रहा है, चल रहा है एहतजाज तो अभी, और लेकिन हम बस यहाँ से चलने वाले हैं। अब फिर देख सकते हैं हमारे पीछे पूरी मीडिया आई हुई है। कैमरा मैन हैं, सब हैं यहाँ पे। आप पीछे देख सकते हैं, चलें भाई, वैक्सीनेशन तो नहीं हुई, अब हम आएंगे नेक्स्ट मंथ।
तो अब चलते हैं, बाय बाय।